हमारा दिल मुकम्मल तौर पर वर्कहोलिक है, यानी हमारे पैदा होने से लेकर हमारे मरने तक हमारा दिल लगातार और बिना थके काम करता रहता है, और हमारी पूरी जिंदगी के दौरान लगातार हमारे जिस्म के तमाम अज़ा में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट रिच ब्लड यानी गजाइत से भरपूर खून पंप करता रहता है। इसके बावजूद साइज में हमारा दिल फीस्ट यानी मुट्ठी जितना होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि साइज में इतना छोटा होने के बावजूद हमारा दिल कैसे हमारी बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? दिखने में हमारा दिल कैसा होता है और हमारा दिल हमारे जिस्म में क्या काम करता है? वेल, आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करेंगे और वीडियो के आखिर तक आपको इन सब सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा दिल, जो हमारे फेफड़ों के दरमियान मौजूद होता है और बाएं फेफड़े की जानिब थोड़ा सा झुका होता है। हमारा दिल एक डबल परत वाली झिल्ली में बंद होता है, जिसे पैराकार्डियम कहा जाता है, जो हमारे दिल की हिफाजत भी करती है। अब जान लेते हैं कि आखिर हमारे दिल के अंदर ऐसा क्या है कि यह हर वक्त धड़कता ही रहता है, कभी रुकता ही नहीं है। तो चलिए अब हमारे दिल को अंदर से देख लेते हैं। हमारा दिल एक वाल के जरिए से दो हिस्सों में लेफ्ट साइड और राइट साइड में तकसीम हो जाता है, जिसे हम कार्डियक सेप्टम भी कहते हैं। हमारे दिल का दायां हिस्सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से भरा होता है और दिल की बाईं तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है, और बीच में मौजूद ये दीवार यानी कार्डियक सेप्टम ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को घुल मिल जाने से रोकती है। अब हमारे दिल की ये दोनों साइड्स दो दो चैम्बर्स में डिवाइड होती हैं। अपर चैम्बर्स यानी ऊपर मौजूद चैम्बर्स को एट्रियम कहा जाता है, जबकि लोअर चैम्बर्स यानी नीचे मौजूद चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो टोटल कुल मिला के हमारे दिल के चार चैम्बर्स होते हैं, और यही चार चैम्बर्स हमारे दिल के मेन पार्ट्स होते हैं। अब हमारे दिल से खून को हमारे जिस्म के बाकी हिस्सों तक लेकर जाने और लेकर आने के लिए हमारे जिस्म में नैरो ट्यूब्स फैली होती हैं, जिन्हें हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। ये तो हम जानते ही हैं कि दिल की तरफ खून को लेकर आने वाली नसों को वेंस कहते हैं, और दिल से खून को हमारे जिस्म के बाकी हिस्सों तक लेकर जाने वाली नसों को आर्टरीज कहते हैं। अब हमारे दिल का ये पाइप, जिसे सुपीरियर वेना कैवा कहते हैं, इसके जरिए से हमारे जिस्म के ऊपरी हिस्सों यानी सर और हाथ वगैरह से खून हमारे दिल में आता है, और ये पाइप जिसे इन्फीरियर वेना कैवा कहते हैं, इसके जरिए से हमारे जिस्म के निचले हिस्से यानी पेट और पाँव वगैरह से खून हमारे दिल में आता है। अब इन दोनों पाइप से आने वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे दिल के राइट एट्रियम में आ जाता है। याद रहे कि यह खून डीऑक्सीजनेटेड होता है, जिसे आमतौर पर हम ब्लू कलर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस एट्रियम में नीचे की तरफ एक वाल मौजूद होता है, और ये वाल तभी खुलता है जब नीचे वाला वेंट्रिकल यानी राइट वेंट्रिकल फैलता है। अब इस तरह के हमारे दिल में चार वाल्स होते हैं, और याद रहे कि ये वाल्स खून के पसमानदा बहाव को रोकते हैं। अब जब हमारा नीचे वाला राइट वेंट्रिकल फैलता है, तो ऊपर मौजूद राइट एट्रियम से खून राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। जब ये वेंट्रिकल वापस सुकड़ता है, तब जैसे किसी थैली को दबाने से अंदर मौजूद लिक्विड बाहर निकलता है, ठीक इसी तरह राइट वेंट्रिकल से खून निकलकर पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ हमारे लंग्स में चला जाता है। दरअसल ये खून हमारे फेफड़ों में प्यूरीफाई होने के लिए आता है। हमारे लंग्स में जाने के बाद खून से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है और ऑक्सीजन हमारे ब्लड में ऐड हो जाता है। अब ये खून ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक इसी तरह ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से हमारे दिल की तरफ पल्मोनरी वेंस के जरिए से आ जाएगा, और हार्ट में आते ही ये खून लेफ्ट एट्रियम में गिरता है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे वाले वेंट्रिकल्स यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में तब तक नहीं जाता जब तक ये फैल नहीं जाता, और यहाँ पर भी एक वाल मौजूद होता है जो वेंट्रिकल के फैलने पर ओपन होता है। जब ये वेंट्रिकल फैलता है, तब ये खून लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। अब नीचे वाले वेंट्रिकल से ये खून एक नली यानी एओर्टा में पहुँचता है, और वहाँ से ये खून आर्टरीज के जरिए से हमारे पूरे जिस्म में फैल जाता है। एओर्टा हमारे जिस्म की सबसे बड़ी आर्टरी होती है, जो हमारे दिल से हमारे जिस्म के बाकी हिस्सों तक खून को पहुंचाती है। अब ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर लेने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे दिल में दोबारा से जमा हो जाता है, और ये साइकिल चलता रहता है। तो उम्मीद है कि आपको हमारे दिल के काम करने का मैकेनिज्म समझ आ गया होगा। अगर आप डिटेल्ड वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।